एक्ट्रेस सुनीशा शर्मा की अचानक हुई मौत ने सबको हैरान करके रख दिया है। 20 साल की एक्ट्रेस ने जिस तरीके से अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लिया, उसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तुनिशा शर्मा के एक्स बॉयफ्रेंड श्रीजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त पुलिस रिमांड में उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, तुनिशा शर्मा केस में आरोपी श्रीजान खान काफी बड़े खुलासे करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में श्रीजान ने बताया कि किस तरीके से दोनों का ब्रेकअप हुआ और दोनों काफी टाइम से अलग रह रहे थे। श्रीजान ने पुलिस के आगे ये कबूल किया कि तुनिशा उनसे शादी के बारे में कह रही थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि दोनों के बीच एज गैप भी था और दोनों का धर्म भी अलग था। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में हर पल नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तुनिशा की मौत के बाद एक्ट्रेस की मां की शिकायत पर श्रीजान खान को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन जिस तरीके से श्रीजान इस मामले में खुलासे करते नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में काफी हैरान कर रहा है। श्रीजान इस वक्त पुलिस कस्टडी में 4 दिन तक है। श्रीजान से जुड़ी बड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही श्रीजान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि श्रीजान बचपन में यौन शोषण का शिकार हुए थे। अपने इंटरव्यू में श्रीजान ने बचपन में हुए यौन शोषण और अवसाद की लड़ाई के बारे में खुलकर बात की थी। श्रीजान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर अपने आप को हर कोई काफी सिक्योर फील करता है, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। जब मैं 7 साल का था तब मैं अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। मेरे माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन भी हुआ। एक्टर ने बताया कि मेरे माता पिता की लड़ाई का फायदा उठाकर एक दिन वहां के जमींदार ने मौका पाकर मुझे पार्क में ले गया और मुझे आइसक्रीम दिलाई, लेकिन इसके बदले वो मुझे सार्वजनिक शौचालय में ले गया जहां मेरे साथ काफी बदतमीजी की गई, पर मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद मैं अपने घर आया और शावर में गया और खुद पर पानी डालता रहा। मुझे अपने अंदर भी इतना बुरा महसूस हुआ। उस वक्त मैं बेहद डरा हुआ था और अकेला फील कर रहा था। वहीं सोमवार को तुनिशा की मां ने जिस तरीके से श्रीजान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीजान ने मेरी बेटी से शादी का वादा किया और बाद में उसे धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि श्रीजान तुनिशा के साथ रिश्ते में होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में था और उसने तुनिशा का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, श्रीजान खान को लेकर बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बचपन में यौन शोषण का शिकार होने के साथ ही वो काफी टाइम तक डिप्रेशन में भी चले गए थे। श्रीजान की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं रही, लेकिन अब तुनिशा मामले में जिस तरीके से 4 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त श्रीजान है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, माना जा रहा है कि श्रीजान पुलिस के आगे काफी कुछ खुलासे कर रहे हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि इस वक्त तुनिशा का जो परिवार है वो काफी सदमे में है, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि 20 साल की एक्ट्रेस इस तरीके से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगी। तुनिशा और श्रीजान पर क्या कहना चाहते हैं आप, जल्दी से आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।